प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित, कहा 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को नई गति देगा। प्रधानमंत्री बोले, भारत में हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर झारखंड के लिए चलने वाले ट्रेनों के लिए अपने भाजपा के नेता, जिसमें अर्जुन मुंडा और जयंत सिन्हा शामिल हैं, उन्हें बधाई दी है। हालांकि अपने बधाई संदेश में उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि पूरे भारत में मजदूरों के लिए पहली ट्रेन झारखंड ने ही चलाई थी, जिसके बाद पूरे देश में सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन की जमकर तारीफ की गई थी। लेकिन अगर रेल मंत्री के ट्वीट की तरफ नजर डालें तो उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री का कहीं नामो निशान नहीं दिखता नजर आ रहा है। दूसरे राज्यों एवं जिलों के कुल 355 प्रवासी मजदूरों को घर लाने के लिए जिला प्रशासन ने बस सुविधा प्रदान कर गोड्डा लाया, जिसे लाकर गोड्डा कॉलेज गोड्डा में स्क्रीनिंग कर उन्हें होम क्वारंटाइन हेतु उनके घर भेज दिया गया। जो रेड जोन वाले राज्यों से आने वाले लोग थे, उन्हें जिला में ही क्वारंटाइन केंद्र में भेजा गया है। वेलकम टू होम थीम से जिला प्रशासन ने स्वागत भी किया। उपायुक्त गोड्डा ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों से कहा कि वर्तमान समय में दूसरे राज्य एवं अन्य जिले से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, छात्र छात्राएं, तीर्थयात्री एवं अन्य व्यक्ति ट्रेनों एवं बसों के माध्यम से जिले में आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को इनके घर तक सही तरीके से पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों तथा कर्मियों की अहम भूमिका है। अतः इनके कार्यों को देखते हुए इनकी सुरक्षा भी जिला प्रशासन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गोड्डा जिला के पुलिस कप्तान के नेतृत्व में SDPO गोड्डा को मिली गुप्त सूचना के निर्देश पर बीते शाम पत्थरगामा थाना अंतर्गत मसूदनपुर गांव में पत्थरगामा थाना प्रभारी एवं इंस्पेक्टर द्वारा छापेमारी कर जवा महुआ एवं अवैध शराब बनाने वाली भट्टी को नष्ट कर दिया गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। उपायुक्त गोड्डा के द्वारा जानकारी दी गई कि गोड्डा जिला अंतर्गत अब तक 480 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिसमें 304 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। एक रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 175 लोगों की जांच रिपोर्ट जल्द ही प्राप्त कर ली जाएगी। डीजल पेट्रोल के बाद अब शराब के शौकीनों का नशा होगा महंगा, आ रही है बड़ी खबर। सरकार शराब की MRP पर 45% टैक्स जोड़ने की तैयारी में है। जी हाँ, आपको बता दें कि शराब अब महंगे होने वाले हैं। देवघर में प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। खासकर बैंक के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में आए हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिखते हैं। ऐसे में आज नगर थाना पुलिस ने नगर थाना प्रभारी विक्रम प्रताप सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया और देवघर के टावर चौक स्थित विभिन्न बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए सख्त निर्देश दिए। लोगों को घेरे में खड़ा किया गया और कई दुकानों को भी बंद करवाया गया। इसके अलावा बैंक को भी इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया। थाना प्रभारी ने कहा कि लोग जागरूक हैं, लेकिन वे लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा सख्ती करना जरूरी है। दुमका जिले के कल शिकारीपाड़ा और काठीकुंड थाना क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र स्थित झिलीमिली ग्राम में भीड़ ग्रामीणों के द्वारा मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों व्यक्ति चोरी छिपे गांव में एक व्यक्ति की बकरी उठाकर ले गए और गांव से बाहर दोनों युवक बकरी को काटकर खाल निकाल रहे थे। तभी उधर से गुजर रहे झिलीमिली गांव के कुछ युवकों ने उनकी नज़र पड़ी तो युवकों ने दोनों को घेर लिया और बकरी चोर कहकर हल्ला करना शुरू कर दिया। हंगामा सुनकर भीड़ जमा हो गई। इसके बाद दोनों को गांव लाकर लोगों ने पेड़ से बांध दिया और बुरी तरह पीटा। भीड़ की पिटाई में सुभान मियाँ और दुलाल मियाँ मिर्धा गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें सुभान मियाँ की मृत्यु हो गई एवं दुलाल मिर्धा की अभी तक इलाजरत हैं। पुलिस अधीक्षक दुमका अंबर लकड़ा ने बताया कि इस घटना के संबंध में कांड अंकित कर शिकारीपारा थाना में कांड संख्या 49/20 धारा 147/148/149/307 एवं 302 IPC SIT टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें अर्जुन रजवार, मन्नत रजवार और वीरेन रजवार शामिल हैं। तीनों ग्रामीण झिलीमिली थाना काटीकुंड के रहने वाले हैं। मृतक और घायल व्यक्ति शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के ढाका गांव के रहने वाले हैं। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति काटीकुंड थाना क्षेत्र के झिलमिली गांव के रहने वाले हैं। SP ने बताया कि कुल 15 लोगों के विरुद्ध अज्ञात और नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अब तक जेल भेज दिया गया है। खबर है राज धनबार से। गुप्त सूचना के आधार पर धनबार थाना क्षेत्र के धनबार दंडाधिकारी ने की है बड़ी कार्रवाई। धनबार थाना क्षेत्र के मंजलाडी गांव में छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। मामला थाना क्षेत्र के मंजलाडी गांव की है। धनबार थाना प्रभारी रूपेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर धनबार थाना क्षेत्र के मंजलाडी गांव में एक पुरानी शराब कारोबारी के घर पर छापेमारी कर 3 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया कि सूचना मिलते ही धनबार थाना क्षेत्र के मंजलाडी गांव में
एक शराब कारोबारी अपने घर पहुंचा और जहां धनबार सीआईएसआई बल दंडाधिकारी रामजीत गुप्ता के अलावा महिला व पुलिस बल के सशस्त्र जवानों के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी में 3 पेटी शराब बरामद किया गया है, साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। खबर है चतरा की। जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस निरंतर अभियान चला रही है, जिसे न सिर्फ लगातार अफीम तस्करों के विरुद्ध चतरा पुलिस को बड़ी सफलताएं मिल रही हैं, बल्कि तस्करों में भी हड़कंप मचा हुआ है। एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिले की वशिष्ठ नगर थाना पुलिस ने विशेष ड्राइव चलाया है। थाना क्षेत्र के बंदूडी गांव में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 8 किलो गीला अफीम के साथ 2 तस्कर अशोक गंजू और संतोष गंजू को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी राजीव रंजन ने जोड़ी थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसपी के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय वरुण देवगन ने नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया था। इसी अभियान के दौरान गिरफ्तार दोनों तस्करों के घर से 4-4 किलो अफीम बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बरामद अफीम का बाजार मूल्य से 3-4 लाख रुपए बाजार मूल्य आंका जा रहा है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि अफीम तस्करों और कारोबारियों के विरुद्ध 5 दिनों से चतरा पुलिस यह 7वीं बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने करीब 1 क्विंटल अफीम के साथ अब तक 7 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। झारखंड के पाकुड़ जिले के महसपुर थाना के मगतपुर गांव में 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। महसपुर थाना में दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार जोरीना बीबी किसी कार्य से खेत गई थी, जहां गांव के ही साधु खान महिला के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। वहीं महिला द्वारा आवाज़ लगाने के बाद लोग वहां पहुंचे और 2 गुटों में बीच मारपीट शुरू हो गई। महिला ने सोने के चैन छीनते का भी आरोप लगाया है। उधर दूसरा पक्ष भी थाने में निर्दोष होने पर अपना लिखित आवेदन देकर इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। कोरोना संक्रमण काल में यहाँ वहाँ मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले लोग झारखंड के विभिन्न विभिन्न इलाकों में फंसे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद और हुगली के 60-65 मजदूर विगत 2 माह से अपने घर जाने के लिए ललाहित हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड के बुंडू की, लेकिन लॉकडाउन की सख्ती से बंगाल से मजदूर अब झारखंड का बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे। अब प्रशासन द्वारा धीरे धीरे मजदूरों की वापसी की व्यवस्था की जाने के बाद बंगाल के कुल 65 मजदूरों को एक साथ अलग अलग वाहनों में झारखंड बंगाल बॉर्डर तुलिन से प्रशासन की देखरेख में घर वापस भेज दिया गया। सभी मजदूर घर वापस जाने का इंतजाम होने से बेहद खुश थे। जब तक मजदूरों के पास पैसे थे, खाना खाकर कहीं भी रात गुजार लेते थे, लेकिन लंबी अवधि तक चल रहे इस लॉकडाउन ने मजदूरों की बची खुशी रकम भी समाप्त कर दी थी। ऐसे में सरकार प्रशासन की एकमात्र सहारा बचता है, सभी बंगाल के मजदूरों को परिवहन की व्यवस्था कर बंगाल भेज दिया गया।